अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सीला को जब ये पता चलता है कि उसकी खाला असमत ही महम की सास और शहजी की माँ है और शहजी का असल नाम शहजाद है तो उसे काफी हैरत होती है कि दुआ ये बात जानती है फिर भी शहजाद से मोहब्बत करती है। अब वो जावी की माँ की नजरों में इज्जत बनाने के लिए उन्हें बताएगी कि उसकी और असमत के दरमियान क्या रिश्ता है, लेकिन सीला जब सबको ये बात बता देगी तो दुआ के लिए और भी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि जब शहजाद सीला से मिलेगा तो उसे दुआ का पता चलवाने की भी कोशिश करेगा। तो ऐसे में दुआ जो असजद से शादी नहीं करना चाहती वो माहम और शहजाद के दरमियान से निकलने के लिए असजद से शादी पर रजामंद हो जाएगी और फिर माहम ये बात असजद को बताएगी, जिसके बाद असजद अपनी खुशी जूबी से छुपा नहीं पाएगा। फिर आप देखेंगे कि जूबी रजी से मिलने उनके घर आएगी और बातों बातों में रजी से कहेगी कि अब बस मैं तो असजद की जल्द से जल्द शादी कर दूंगी, जिस पर रजी उससे कहेगी कि दुआ मानेगी तो ही शादी हो पाएगी ना। फिर जूबी रजी को बताएगी कि दुआ भी अब बहुत जल्द मान जाएगी, जिस पर रजी हैरानगी से पूछती है कि अच्छा और वो कैसे, तो जूबी कहती है कि मुझे असजद की बातों से ये आइडिया हुआ है कि जैसे दुआ भी अब उसके बारे में सोचने लगी है और उसमें इंटरेस्ट लेने लगी है। फिर आप देखेंगे कि उधर अमजद अपनी बेटी का रिश्ता एक डॉक्टर से तय कर देता है और फिर जानबूझकर वो मिठाई लेकर सईद के घर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि भाईजान ये मिठाई मैं खास आपके लिए लाया हूँ। सईद वो मिठाई उठाकर खाने लगता है तो अमजद उसे बताता है कि रिमशा का रिश्ता पक्का हो गया है, ये मिठाई वही लेकर आए थे उसके ससुराल वाले, बहुत मजे के हैं गुलाब जामुन खाएं। तो ये बात सुनकर सईद का हाथ वहीं रुक जाता है। अमजद जिस डॉक्टर से रिमशा की शादी करवाना चाहता है, शानी इस डॉक्टर का जब पता चलवाएगा उसे मालूम होगा कि वो डॉक्टर एक फ्रॉड है और एक अच्छा इंसान नहीं है, तो फिर शानी उस डॉक्टर की असलियत रिमशा और अमजद को भी बता देगा। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल बदनसीब में आके क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।